हेलो इवीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये अभी दिसंबर मंथ की रीडिंग है आपकी लव लाइफ के हवाले से, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जैसे कि आपको पता है। और ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हेवन स्ट्रीम टैरोट। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल। एरीज, आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल का पहला कार्ड है। आप किसी प्रोसेस के हवाले से, अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो प्रोसेस है, चीज़ें जल्दी रिजॉल्व नहीं हो रही। अगर आप रिजॉल्वमेंट चाह रहे हैं अपने लव लाइफ में, अगर आपका ब्रेकअप था उस पर्सन से, अगर आप रिजॉल्वमेंट चाह रहे हैं, तो वो रिजॉल्वमेंट जो है वो क्विकली हैपन नहीं हो रही, उसमें टाइम लग रहा है। हो सकता है वो पर्सन ले रहा है टाइम, या फिर आप ले रहे हैं टाइम। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन पर्सन से डील कर रहे हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। और हो सकता है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, या फिर आपकी एनर्जीज हो सकती हैं कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होकर सोच रहे हैं। आप अपने लिए नहीं सोच रहे, आप दूसरों के लिए भी सोच रहे हैं। आपने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा है, उस पर्सन के लिए भी सोचा है जो कि आपकी लाइफ में है। और या फिर वो पर्सन, उसकी कोई भी जोडियक साइन उसका कोई भी है, लेकिन वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, या तो ये प्रोसेस को वो इसलिए स्लो बना रहे हैं, आप उनकी तरफ से आपको जो भी ऑफ़र अगर मिलनी है, अगर आपको इंतज़ार है उस पर्सन की तरफ से ऑफ़र का, वो इस प्रोसेस को इसलिए स्लो बना रहे हैं क्योंकि उनको अभी स्टेबल होना है। या फिर आप इस प्रोसेस को इसलिए स्लो बना रहे हैं क्योंकि आपको स्टेबल होना है। आप अपनी वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हुए हुए हैं। टेन ऑफ पेंटिकल, अगर वो पर्सन बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होकर सोच रहा है और आपकी तरफ रिजॉल्वमेंट के लिए आ रहे हैं, तो वो आपकी हैप्पीनेस के लिए भी काम करें। वो बिहाइंड द सीन हो सकता है कुछ ऐसे काम करें जो आपकी हैप्पीनेस के लिए, इस रिलेशनशिप को दोबारा से एक हो सकता है कमिटमेंट देने के लिए। वो पर्सन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हों स्टेबल बनाने के लिए इस रिलेशनशिप को, या फिर आप इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं उस पर्सन को, वो पर्सन आपके लिए आपकी फुलफिलमेंट है, इमोशनल फुलफिलमेंट है। इसलिए आप अपने आप को पहले स्टेबल बनाना चाहते हैं, फिर आप उस पर्सन को, ताकि कोई रुकावट ना बने और वो पर्सन आपकी लाइफ में किसी रुकावट के बगैर आ सके। ओके एरीज, सन। सो आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है ओवरऑल स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, और आपकी फैमिली फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या फिर इस वक्त में, इस टाइम फ्रेम में आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, हैप्पी भी हैं, कुछ इंजॉय कर रहे हैं, फन भी है आपकी लाइफ में। हो सकता है आपकी तरफ एक कमिटमेंट आई हो उस पर्सन की तरफ से जिसको आप चाहते हैं, और ये टाइम जो है उस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल बनाना है। आप ऑफिशियल बना रहे हैं उस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को, इसी वजह से आप हैप्पी हैं। कुछ सेलिब्रेट करें, कुछ सेलिब्रेटिंग एनर्जी आपके आपके साथ है, आपको सेलिब्रेट करें। हो सकता है आप इंगेजमेंट या शादी कुछ ऐसा, या फिर अपनी लव लाइफ को दोबारा से, अगर ये पास्ट पर्सन है तो उसकी तरफ से दोबारा से आपके पास जो है वो ऑफ़र आई है, और ये ऑफ़र वो इस टाइम पर, इस वक्त में जो ऑफ़र है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। पहले स्लो थी, बट अब मैच्योरिटी के साथ वो इस रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, दोबारा से चांस लेना चाह रहे हैं। या फिर आप प्रोटेक्ट करें अपनी इस एनर्जीज़ को जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड और हैप्पीनेस जो आपकी लाइफ में है इस वक्त, आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। एक और कार्ड लेते हैं फॉर एरीज। ओके
ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो हो सकता है आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं उस अपनी हैप्पीनेस को, दो के आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपकी इमोशनल फुलफिल्ड लाइफ चल रही है इस टाइम पर, स्टेबिलिटी भी है। अगर आपके डिज़ायर पर्सन की तरफ से आपको ऑफर आई है तो आप इसको पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं, बट कुछ नेगेटिविटी आपके माइंड में आ रही है जिसको आप जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, और आपको चाहिए भी कि आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें। आप एग्जैजरेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को जिनको आपको नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे कोई पास पास से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके पास ऑलरेडी एक कमिटमेंट है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है आपने उसको ऑफिशियल भी बना दिया हो, बट सडनली आपको आपको किसी पास पर्सन की तरफ से ऑफर आती है और आप जो है डबल माइंडेड हो रहे हैं कि आपको किस पर्सन को अपने लाइफ के लिए चूज़ करना चाहिए, या फिर कुछ नेगेटिविटी आपके माइंड में आ रही है कि आप बाउंडेज फील कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन आपसे सेकंड चांस मांगता है, आकर वापस पास से कोई बैक कम बैक कर रहा है और वो पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहा है, सो वो आपको बाउंड कर सकता है, वो चीज़ें दिखा सकता है जो नहीं एग्जिस्ट करती, या फिर आप खुद उस पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही, और लेट्स सी कि अगर ये पास पर्सन और न्यू पर्सन के हवाले से सिचुएशन है तो आपके आप कुछ डबल माइंडेड हो रहे हैं यहाँ पर, मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। स्टार्ट में तो सब कुछ अच्छा था, अचानक से पास पर्सन की तरफ से ऑफर आ सकती है, ओल्ड पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, तो आप अपने आप को बाउंडेज महसूस कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए अब, या फिर आप इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पास में आपने बहुत आप हर्ट हुए हों अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा, बट अब एक अच्छा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है तो आप जो है बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट होकर सोच रहे हैं कि आपको लग रहा है कहीं ये रिलेशनशिप, ये हैप्पीनेस, ये इमोशनल फुलफिलमेंट, जो भी आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं वो दोबारा से ना छिन जाए, कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, इस तरह की सिचुएशन नेगेटिव थॉट्स आ सकती हैं आपके माइंड में, इसलिए आप चाहते हैं प्रोटेक्ट करना अपनी हैप्पीनेस को। नेगेटिव थॉट्स भी आ सकती हैं आपके माइंड में, और कोई पास पर्सन भी आ सकता है जो कि जिसके बाद आप जो है डबल माइंडेड हो सकते हैं। सो डेफिनेटली आपको अपनी लव लाइफ के हवाले से बहुत सोच समझ के कदम उठाने हैं और सोच समझ के फैसले करने हैं, इसलिए आपको डबल माइंडेड नहीं होना। आप मेडिटेट करें और इस नेगेटिविटी को अपने माइंड से निकालें और सोच समझ के फैसला करें, क्योंकि आपको जिस पर्सन के साथ, अगर दो लोग हैं आपकी लाइफ में, पास्ट और न्यू पर्सन वाली बात है, तो जिस पर्सन के साथ आप लव लाइफ में अपना अपने अपने इमोशंस को अटैच महसूस करते हैं, जिसके साथ अपना सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, उसी पर्सन के लिए आप डिसीजन लेंगे। हो सकता है कोई अर्थ साइन हो, कोई लियो हो और वीरगो भी हो सकते हैं। सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। इफ़ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।